डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग को अभ्यास 7.3 का पहला क्वेश्चन कराया गया था, ठीक है। आज दूसरा कराना है। कल हम दो निकाले थे, आज हम अंतर निकालेंगे। अभ्यास 7.3, ठीक है, इसी का हमें करना है। कल हम लोग योग क्या किए थे, आइए देखते हैं किस प्रकार अंतर निकाला जाए। अंतर किस प्रकार निकाला जाएगा, आइए प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित को हटाइए, निम्नलिखित को हटाइए, निम्नलिखित ठीक है, समझ में आया। माइनस 24
देखते हैं चौथा, जो दूसरे का ये पहला था, आइए हम देखते हैं इसमें चौथा। चौथा आपका दिया गया है, आपका चौथा है x plus y minus z को किससे घटाना है, को आपको घटाना है minus x minus y plus z में से, ठीक है। x plus y minus z को आपको क्या करना है, घटाना है minus x minus y plus z में से। तो देखिए किस प्रकार घटाएंगे, हम क्या लिखेंगे minus x minus y plus z minus x minus y plus z। बदल दिया गया, यानी प्लस है तो माइनस किया जाएगा और
प्लस टू जेड। देखिए या तो आप इतने पे ही दोनों में छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम चाहे तो आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं। इतने पे छोड़ेंगे तो भी सही है, नहीं तो आप चाहे तो इसमें कॉमन यानी उभयनिष्ठ छाटेंगे। उभयनिष्ठ क्या है? जो सभी पदों में उपस्थित होगा वही हमारा उभयनिष्ठ है। देखिए दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, यानी हम दो इसमें क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो आइए देखिए, दो हम कॉमन यदि निकालते हैं तो यह क्या बचता है, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। क्या हो गया, दो जब हम कॉमन निकालिए तो आपका बचा माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, यानी इस प्रकार आप इसको क्या किए, हटा दिए। देखिए यहाँ पे जो इसको हम किए हैं इसमें भी आप चाहेंगे तो दो कॉमन निकाल सकते हैं, और दो कॉमन यदि निकालेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड बचेगा, यानी इस प्रकार दोनों हम जोड़ सकते हैं। आप जिस जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप जोड़िए, या तो इस तरह से जोड़िए या तो उस तरह से जोड़िए, और सॉरी घटाइए। घटाना भी उसी तरह है और जोड़ना भी सेम उसी तरह है। अंतर इसमें क्या होता है, जोड़ने में आप साइन को नहीं बदलते हैं और घटाने में क्या करते हैं, नीचे के सभी पदों के जो साइन है वह बदल दिए जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या दूसरे का जितना भी भाग है आप अब करेंगे। आइए प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रश्न तीसरा। ठीक है, देखिए तीसरा क्या है, 3x² - 3y, 5x² - 4y² + xy, और -7x² - 4xy + y² का योग ज्ञात कीजिए। योग तो हम निकाल चुके हैं, आइए देखते हैं तीसरा, 3x² - 3y² + 5x² - 4y² + xx² - 4xy + y². यही देखिए आपका दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, 3x² - 3y² + 5x² - 4xy + xy, और -7x² - 4xy + y². ठीक है, यही देखिए दिया गया, इसी को हमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है हमें, जोड़ना है। तो देखिए अब हम जोड़ने जा रहे हैं, दोनों से जोड़ देते हैं आपको। ठीक है, स्तंभ विधि भी दिखा देते हैं और वो भी दिखा देते हैं। ठीक है, आइए पहले देख लेते हैं स्तंभ विधि, 3x² - 3y² ठीक है। अब देखते हैं 5x² कहाँ है, यहाँ, तो इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे। ठीक, 4y² - 4y² के नीचे लिखेंगे 4y² + xy, कहीं दिख रहा है xy, नहीं दिख रहा है, यानी हम क्या करेंगे इसे बाहर निकाल देंगे। ठीक, अब आइए देखते हैं -7x² यहाँ लिखेंगे, -7x² - 4xy कहाँ है, xy यहाँ है, तो -4xy + y² + y² यहाँ से देख लीजिए कैसे लिखा गया है, x² को x² के नीचे सभी पदों को लिखेंगे, y² को y² के नीचे हमने लिखा, और xy जो बाहर था थर्ड वाले में, देखिए थर्ड वाले में जो दिया गया उसमें भी xy है, यानी जस्ट उसके नीचे लिख दिए। अब इसे हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने पर देखिए, जब इसे जोड़ेंगे तो किस प्रकार जोड़ रहे हैं,
क्योंकि देखिए वन जो नंबर है सेवन से क्या है, वन नंबर सेवन से क्या है, छोटा है, तो हम साइन किसका लगाते हैं, जो नंबर बड़ा होता है उसी के सामने का साइन लगाते हैं। तो देखिए माइनस थ्री माइनस फोर यानी माइनस सेवन हुआ, और सेवन हमारा बड़ा है, सेवन के सामने क्या साइन है, माइनस है, तो हम यहाँ माइनस प्रेजेंट करेंगे। इसमें देखते हैं माइनस एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई सॉरी प्लस एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई। देखिए यह वन एक्स वाई है, यह फोर एक्स वाई है, आएगा क्या हमारा लेस करेंगे, साइन यदि अपोजिट है तो हमें हमेशा क्या करना होगा, माइनस करना होगा। हमने आपको बताया है कि यदि साइन हमारे सेम होंगे, यदि साइन हमारे सेम होंगे तो हमारा क्या आता है प्लस, साइन हमेशा ध्यान दीजिएगा ये क्या आएगा प्लस। अब देखिए अब प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसको यदि हम प्लस करते हैं तो जो नंबर ग्रेटर रहेगा, जो नंबर ग्रेटर रहेगा उसी का साइन हम प्रेजेंट करते हैं, है ना, जो नंबर ज़्यादा रहेगा उसी का साइन हम क्या करेंगे प्रेजेंट करेंगे। ठीक उसी प्रकार माइनस में भी होता है, ये देखिए प्लस और ये देखिए माइनस देखते हैं, यदि ये माइनस है माइनस माइनस, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम ऐड करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, साइन हमारा माइनस और माइनस साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, साइन हमारा माइनस आएगा। यदि ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है, क्या आया आपका प्लस एक जैसे दो है, माइनस थ्री है, टू माइनस थ्री, ठीक है, टू भी प्लस और थ्री भी प्लस, साइन किसका लगाएंगे, साइन हम उसी का लगाएंगे जो हमारा ग्रेटर होगा, जो हमारा ग्रेटर होगा उसका हम साइन लगाएंगे। उसी तरह प्लस, एक अगर प्लस है और एक अगर माइनस है, एक यदि प्लस और एक यदि माइनस, जैसे माइनस टू माइनस प्लस टू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों हमारे क्या साइन आएंगे, माइनस में ही आएंगे, इसमें आएंगे माइनस में ही आएंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस ही करेगा, इसीलिए साइन क्या आ रहा है, माइनस ही आ रहा है, ठीक है, इसीलिए क्या आ रहा है, माइनस ही आ रहा है। जैसे कि माइनस टू माइनस थ्री, यह क्या आएगा, माइनस फाइव है, साइन क्या आ गया, माइनस, क्या आया, माइनस आया। इसी तरह यह पूरे साइन है, ठीक, इसी तरह यह है, तो इसमें क्या आएगा, माइनस थ्री एक्स वाई, यह हो गया हमारा ऐड। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, आप इसी तरह इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक, वाई स्क्वायर थ्री एक्स वाई, ठीक है, इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, आइए अब देखते हैं इसको जब जोड़ रहे हैं तो किस प्रकार जोड़ रहे हैं, साइन तो हो गया होगा, हम साइन को इरेज करते हैं, कर सकते हैं, इसलिए हम ब्रैकेट लगाए हैं। अब यहाँ देखिए x
ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखते हैं y x y यही बचा है, x y दो जगह है, x y हमारा दो जगह है। उन दोनों जगह में देखिए एक तो प्लस है एक माइनस है, माइनस वाला ज्यादा है क्योंकि वो 4xy साइन जाएगा माइनस में आएगा है x y। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए उत्तर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, उत्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, चाहे आप इस प्रकार से करिए चाहे आप इस प्रकार से करिए, नोट कर लीजिए। जो चौथा क्वेश्चन है देख लीजिए, माइनस 5x² प्लस 4xy प्लस 3y² को 4x² माइनस 6y² माइनस 5xy में से घटाइए, ठीक है। आपको इसको घटाना है, आइए हम देख लेते हैं इसको, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। को कितने में से घटाना है, माइनस यानी 4, सॉरी देखिए क्वेश्चन लिखिए पहले, प्रश्न प्रश्न क्या पांचवा है इसको देखते हैं आप, सॉरी चौथा है। 4x² माइनस 6y² माइनस 5xy में से किसको घटाना है, 5x² तो x² यहाँ रहेगा यानी इसके नीचे लिखेंगे, प्लस 4xy, xy यहाँ है तो प्लस 4xy प्लस 3y प्लस 3y इस तरह से लिखेंगे, यानी सभी को कैसे लिखेंगे, जस्ट उसके सामने सामने लिखेंगे, इस प्रकार लिखिए। ऊपर हमें जोड़ना था बट यहाँ क्या करना है, घटाना है, घटाने पर क्या होगा, इसका जो चिन्ह है बदल जाएगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, है ना, चिन्हों को क्या करेंगे बदल देंगे। तो देखिए ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस, 5 + 4 9 ये भी माइनस, ये भी माइनस, साइन क्या आएगा माइनस 6 3 9 y² ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी माइनस 9 x y। अब इसमें आप चाहे तो 9 कॉमन ले सकते हैं, यानी 9 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस y² माइनस x y, ठीक है। यदि हम 9 उसमें कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, x² - y² - x y, यही हमारा क्या होगा बचेगा, ठीक है। अब देखते हैं इस प्रकार जब करेंगे तो कैसे करेंगे, 4x² - 6y² - 5xy को घटाना है इसमें से, -5xy² प्लस 3y² प्लस 4xy, ठीक है। देखिए 4x² - 6y² - 5xy। अभी हम बोले हैं कि यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के सभी पदों के चिन्हों को क्या करेंगे, हम बदल देंगे। तो यानी ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए x² यहाँ पे है और x² यहाँ पे है, तो प्लस 4 + 5 9x² क्या हो जाएगा, 9x² y यहाँ पे है, y² यहाँ पे है, यह भी माइनस में है और वह भी माइनस है, तो 6 - 9y² अब आइए देखते हैं xy यहाँ पे है, xy यहाँ पे है, यह भी माइनस में है और वह भी माइनस है, तो -9x y हमने इसमें कॉमन ले लिया है लिस्ट, तो x² - y² - x y ये हो गया इसका आंसर, ठीक, नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार आप अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है, दोनों को योग करना है
5 करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आज तक के लिए बस इतना ही, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे आप लोग को आगे का बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।